नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस में बवाल, धारचूला के विधायक हरीश धामी ले सकते हैं भाजपा की सदस्यता, कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। नौकरशाहों को 24 अप्रैल तक देनी होगी गोपनीय रिपोर्ट, मंत्रियों को सुझाव देने का अधिकार। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज और कल हो सकती है बारिश और ओलावृष्टि, तापमान में मिल सकती है राहत। और अब खबर विस्तार से। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का उत्तराखंड की सीमा नारसन व आशारोड़ी में भी पंजीकरण की व्यवस्था होगी। ऋषिकेश और यात्रा मार्ग पर अलग अलग जगह पंजीकरण केंद्रों में भी पंजीकरण किया जाएगा। यात्रा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक लेते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने कहा कि चारधाम मार्ग सहित वहां के मौसम की जानकारी यात्रा बस अड्डा में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से श्रद्धालुओं को दी जाएगी। नगर निगम इसकी व्यवस्था करेगा। 16 अप्रैल से यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो व्यवस्थाओं को लेकर ही बातचीत हुई है कि किस प्रकार आगामी जो चारधाम यात्रा है उनको सुव्यवस्थित करें। मुख्यतः जो परिवहन को लेकर इश्यूज हैं उन पर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिपको आंदोलन के सूत्रधार गौरा देवी के बेटे चंद्र सिंह राणा को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार के साथ दी जाने वाली 5 लाख रुपए की धनराशि का चेक सौंपा है। गौरतलब है कि विश्व विख्यात चिपको आंदोलन की सूत्रधार गौरा देवी को वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनके परिजनों को उत्तराखंड रत्न के नाम पर सिर्फ प्रशस्ति पत्र सौंपा गया लेकिन सम्मान निधि की 5 लाख की धनराशि नहीं मिली थी। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बागेश्वर पहुँचे। यहां पहुंचने पर डिग्री कॉलेज मैदान में जिलाधिकारी व एसपी ने बुके देकर महामहिम का स्वागत किया। वहीं पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद राज्यपाल विकास भवन के नवीन सभागार पहुंचे। यहां उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से बैठक की। साथ ही विकास भवन परिसर में लगी विकास प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। बहुत डिटेल ब्रीफिंग लिया, जो डीएम साहब, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस वाले हैं उनसे बहुत विस्तार में मैं जानना चाहता था कि बागेश्वर में वो क्या चीज़ है जो अलग है, और सच कहूँ तो बहुत कुछ अलग है। उत्तराखंड में मंत्री भले ही नौकरशाहों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार मांग रहे हो लेकिन कार्मिक विभाग ने फिलहाल मंत्रियों को केवल सुझाव देने का ही अधिकार दिया है। यानी मंत्री अपने सचिवों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, केवल सुझाव दे सकते हैं। कार्मिक विभाग ने सभी आईएएस अफसरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गोपनीय रिपोर्ट स्पैरो वेबसाइट पर 24 अप्रैल तक दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग के सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने यह निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत कई मंत्री सचिवों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार मांग रहे हैं। धारचूला के विधायक हरीश धामी के भाजपा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। धारचूला, गोरीछाल और अन्य ब्लॉक अध्यक्षों सहित सभी ने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता और पदों से त्याग पत्र दे दिया है। विधायक धामी देहरादून को निकल चुके हैं। क्षेत्र में कांग्रेस छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है। हरीश धामी का कहना है कि उनको जिताने वाली जनता और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो चाहेंगे वो वही करेंगे। धामी ने कांग्रेस पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है। पूर्व में जब कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ तो उन्हें जो पद मिला था उसमें सबसे नीचे उनका नाम था। बाद में भी उन्हें केवल नाम मात्र का पद दिया गया। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज और कल मौसम में बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। इस कारण उम्मीद जताई जा रही है कि तापमान में कुछ कमी आएगी। आपको बता दें कि देहरादून समेत ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय क्षेत्र में दस्तक देने से मौसम में परिवर्तन की आशंका है। हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने भगवानपुर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है।
दरअसल सहायक अध्यापक के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। मामले में SIT पहले ही शिक्षक के प्रमाण पत्रों की जांच विभाग से मांग चुकी थी। CEO ने बताया कि भगवानपुर ब्लॉक के विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक विनय सैनी को निलंबित कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मामले की अंतिम जाँच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके जो BEd का डिग्री है वो कूटरचित यानी फर्जी पाई गई। तदुपरांत विभाग ने भी जांच की, उसकी विभाग की जांच में भी संबंधित जो यूनिवर्सिटी है उसने इस छात्र के जो शिक्षक है अपने विश्वविद्यालय में पंजीकृत होने और परीक्षा देने से कब उसका जो डेटा है प्रमाणित नहीं किया है। उनका ये कहना है कि इसका इस यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ। देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।